IDTV presents. शाकाहार सदाचार और मध्य निषेध के देशव्यापी प्रबल प्रचारक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबद्ध जय गुरुदेव संगत दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में एक आध्यात्मिक सत्संग समारोह रविवार को मायापुरी चौक के निकट माली पार्क कीर्ति नगर में संपन्न हुआ। समारोह के संस्था अध्यक्ष बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज ने संबोधित किया। उन्होंने बाबा जी के मानव सुधार, समाज सुधार, चरित्र उत्थान के कार्यों व करोड़ों लोगों के हृदय परिवर्तन की चर्चा की। शाकाहार नशा मुक्ति पर बहुत जोर दिया। 90% जानलेवा बीमारियां, हिंसा, अपराध, नैतिक पतन, कदाचार की बढ़ती घटनाओं के लिए मांसाहार और शराबखोरी को जिम्मेदार ठहराया। सभी धर्म, मजहब, जाति पाति, संप्रदाय, वर्ण स्तर के लोगों से शाकाहार अपनाने, नशा मुक्त जीवन जीने, परस्पर सद्भाव व प्रेम की अपील की। पंकज जी ने कहा कि पूजा पाठ इबादत के लिए शाकाहारी नशा मुक्त मानवतावादी होना अति आवश्यक है। बिना शाकाहार अपनाए, नशों से परहेज किए बिना कोई भजन भक्ति या इबादत नहीं हो सकती। उन्होंने चरित्र को मानव की सबसे बड़ी पूंजी कहा। कहा कि चरित्र धन सर्वोत्तम धन है। चरित्र के अभाव में अरबपति खरबपति की कोई कीमत नहीं है। इस अवसर पर गुलशन वीरवानी, ललन झा प्रधान, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव, मथुरा आश्रम के प्रबंधक संत राम चौधरी, प्रबंध समिति के सदस्य राम सजन यादव, राम विलास मौर्य, अखिलेश, आरपी तिवारी, उपाध्यक्ष जय गुरुदेव संगत दिल्ली प्रदेश, कपिल देव, रामजीत, महावीर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महामंत्री बाबूराम यादव एवं संस्था अध्यक्ष पंकज जी ने DID चीफ ललित सुमन से क्या कहा, आप खुद सुने। जय गुरुदेव संस्था के अध्यक्ष महाराज पंकज जी अभी एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के प्रांगण में इतने विशाल समागम को संबोधित किया और नशा मुक्ति पर, आहार पर उन्होंने जो लोगों को प्रेरणादायक अपने प्रवचन सुनाए, उससे लोगों के दिल में एक नई उमंग, एक नई आशा और राष्ट्र प्रथम का एक नया सिद्धांत जो है यहाँ देखने को मिला। मैं महाराज इससे बात करूँगा, जो महाराज जी आप बताइए जो कि आप कब से इस तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते आ रहे हैं। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी के रास्ते पर चलाने के लिए, शराब मुक्ति के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। और हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर आवाम जनमानस से यह प्रार्थना करते रहे कि सभी लोग शाकाहारी रहें, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग करें। और हम भी सभी से, देशवासियों से, आम जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करेंगे, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आप लोग भी सहयोग दें, सभी लोग शाकाहारी रहें, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग करें, ताकि देश हमारा समृद्ध हो, एक अच्छा भारत बनके रहे। ये आज के जो कार्यक्रम में जो गांव से, खास करके रूरल इलाके से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और भारत की राजधानी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी में, इससे आप क्या उम्मीद करते हैं, यहाँ से क्या संदेश जाएगा? देखिए, गुरु महाराज के भक्तजन और आवाम जनमानस यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में पधारी हुई है सत्संग का लाभ लेने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग बताए हुए रास्ते पर, गुरु महाराज के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे और देश के कोने कोने में जा कर के शाकाहार का प्रचार करेंगे, शाकाहार का बिगुल फूकेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज एक सशक्त भारत के रूप में इसकी स्थापना हो, सभी लोग शाकाहारी रहें, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग। आप भारत सरकार से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? भारत सरकार से हम यही अपील करेंगे कि आप सभी लोग भी शाकाहारी रहें और ऐसे लोगों को आगे आने दें जो लोग शाकाहारी रहें, शराब जैसे मादक पदार्थों को छोड़े हुए लोग, ऐसे लोग देश की राजनीति में सक्रिय हों और आप लोग भी इस अच्छे समाज के निर्माण में मदद करें।
हमारे साथ बाबू राम जी हैं जो जय गुरुदेव संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है और आज जो एशिया की सबसे बड़ी ट्यूमर मार्केट में आज इतना बड़ा समारोह का आयोजन किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर जरा विस्तार से बताएं। और ये कार्यक्रम इस तरीके का देश के किस किस कोने में अब तक आयोजित किया गया और आगे क्या योजना है, अपना परिचय देते हुए। मुझे बाबू राम कहते हैं, हम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये संस्था विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई। गुरु महाराज ने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने शाकाहार सदाचार और मध्य निषेध को आधार मान करके देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अभियान चलाया। पूरे जीवन अथक परिश्रम करके करोड़ों लोगों को बदला, मानव सुधार, समाज सुधार के अनेक अभियान चलाए और 200 करोड़ बुरे लोगों को बदल करके भगवान के भजन में लगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम गमन के पश्चात उनके उत्तराधिकारी वर्तमान संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज उनके मिशन और कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस संस्था का उद्देश्य देश के लोगों के खान पान का सुधार करना और नशे की चीज़ों से परहेज कराना प्रमुख उद्देश्य है। इससे देश के अंदर लोगों में शुद्ध सात्विक चिंतन और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, लोगों को शिष्टाचार की शिक्षा मिलेगी, आदमी आदमी में प्रेम सद्भाव का वातावरण बनेगा, लोग एक दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या को छोड़ करके मोहब्बत और प्यार की दुनिया में एक नए अच्छे समाज के निर्माण की ओर चल पड़ेंगे। विचारों की क्रांति धीरे धीरे ये देश के कोने कोने में छाती जा रही है। पूज्य पंकज जी महाराज सभी प्रांतों में अपने प्रचारक और उपदेशकों को भेज करके शाकाहार की फेरियां, शाकाहार के संदेश बराबर जन जागरण के अभियान चला रहे हैं। आज ये एशिया की नामी गिरामी टिम्बर मार्केट में जो आयोजन हो रहा है, इसके पीछे संस्था का उद्देश्य ये है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बासिंदगानों को भी चरित्र और उत्थान का सबक मिले, लोग अपने खान पान को सुधारने का संकल्प लें, जिससे लोगों के अंदर मनुष्यता का और मानवीय गुणों का विकास हो, अच्छे चरित्रों का निर्माण हो, लोग प्रेम और सद्भाव के वातावरण का निर्माण करके देश में एक नए और अच्छे समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हो जाए और लोग अपने मानव जीवन को सफल और कामयाब बना सकें। उसके लिए आज सत्संग में पूज्य पंकज जी महाराज ने जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है, जो इतना सरल और आसान है कि वो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के दूर तक कर सकते हैं। इसमें घर द्वार छोड़ने की कोई मनाही नहीं है। अपना काम जो भी जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, मेहनत ईमानदारी सच्चाई के साथ करें, बाल बच्चों की सेवा प्यार और मोहब्बत के साथ करने के बाद एक घंटा दो घंटे का समय 24 घंटे में से निकाल करके उस प्रभु की सच्ची आराधना और इबादत भजन करें जिसके लिए ये शरीर मिला हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली नगर के तमाम मोहल्लों के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में मीडिया के लोगों का और दैनिक इंडिया दर्पण का भी काफ़ी सहयोग रहा। हम इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य के लिए जनहितों में इसी तरह की सद्भावना और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आम जनता से शाकाहारी सदाचारी बनने की प्रार्थना करते हैं। इस अच्छे समाज के निर्माण में देश के जागरूक शुभचिंतकों और समाज सेवियों को मदद करनी चाहिए, हम सबका आह्वान करते हैं, इस काम में सब लोग भागीदार बनें। आंचल की छाव एनजीओ द्वारा कीर्ति नगर के स्लम क्षेत्र में
बच्चों के मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जो विगत महीनों में गर्मी छुट्टी में चित्रकला व अन्य उपयोगी विषय पर अपनी क्षमता का परिचय दिया। इन मेधावी बच्चों को कीर्ति नगर थाना के एडिशनल SHO सूर्य प्रकाश, इंस्पेक्टर निरीक्षण कुलदीप सिंह एवं DID न्यूज चीफ ललित सुमन ने पुरस्कार प्रदान किया। संस्था की अध्यक्ष दीपिका मलिक ने वरिष्ठ संपादक व पुलिस अधिकारी को पौधे देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं को साड़ी व सूट भी संस्था द्वारा प्रदान किया गया। संस्था की अध्यक्ष दीपिका मलिक व उनकी टीम ने कैमरे के सामने क्या कहा, आप खुद सुने। हमारे साथ आंचल इच्छाओं NGO के अध्यक्ष दीपिका मलिक हैं। इन्होंने पिछले काफी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं अपनी NGO के माध्यम से, और बच्चों में जो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का जो एक कार्यक्रम चलाया है चित्रकला के माध्यम से, जो पिछले एक महीने से चल रहा था, जिसका आज समापन समारोह हुआ। अब हम बात करेंगे दीपिका मलिक जी से, बताइए कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, अपना नाम बताती है। मेरा नाम दीपिका मलिक है, मैं आंचल आंचल की छुआ हूँ। मैं ये NGO 15 साल से चला रही हूँ। हमारे मन में आया कि चलो बच्चों के लिए कुछ, जैसे सबके जो अमीर लोग होते हैं उनके भी ऐसे समर कैंप लगते हैं, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए भी एक समर कैंप लगाया जाए, जिसमें बच्चे बाहर ना घूमें, उनको कुछ मतलब अच्छा सीखने को मिले। हमने इसमें ड्राइंग कंपटीशन, एक्टिविटीज़ प्रोग्राम उनके और स्किल्स के लिए उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है, जिसमें कि हमारे मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मेंबर्स हैं, उसका नाम दीपिका है और एक सभ्या है और एक शिल्पी जी है उनकी मदर। ये लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा ड्राइंग सिखाई है, बच्चों को अच्छा स्किल्स के लिए बहुत अच्छा काम करा है, बच्चों ने सर बहुत प्रोटेक्शन करी है आपको काफ़ी देर तक, और बच्चों से काफ़ी मिल के काम किया है, जिससे कि बच्चे बहुत खुश हैं और सोच रहे हैं कि अगले साल भी मेरी सब और जितनी जैसे भी बात की और हमारी गोलियाँ भी हैं वो आई गई है, तो इनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर बच्चों के साथ, तो हम अगले साल भी ऐसा एक कैंप लगाएंगे समर कैंप, जिससे कि बच्चे कुछ हमारे से सीख सकें। अभी आपने बच्चों को पुरस्कार दिया और बच्चों के पुरस्कार देने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय महिलाओं के बीच भी आपने वस्त्र वितरित किया है, यह जो है तो किस तरीके से आपने किया है? ऐसा है कि जो बच्चे यहाँ पर समर कैंप में आए हुए थे वो ऐसे ही उन्होंने सभ्या दिया है, उन्होंने बच्चे ने कहा कि हम लोग करते हैं तो अपने बच्चों को लेते होते हैं, उसके लिए बच्चों की माओ के दोस्त हो जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ अपनी प्रेसमेंट वगैरह दी है, इसलिए कि जिन्होंने हमने कहा एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। अब NGO में काम करने वाली जो लड़कियाँ हैं जो बहुत ही एक्टिव है और एक छात्रा भी है, और उनके अंदर यह समाज सेवा की भावना कैसे आई, मैं बात करता हूँ अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सत्या है और अभी मैं 4वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। दूसरे लोगों को देख के कि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं, अच्छे अच्छे गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, तो इनको देख के लगता है कि इनको भी एक नया मौका मिलना चाहिए सीखने का, तो हमने साथ मिलकर इनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया और डांस सिखाया। आप अपना परिचय देते हुए बताओ। मेरा नाम दीपिका साधना है, मैं मैट्री कॉलेज में पढ़ रही हूँ। यही सोचा कि हम इस बार कुछ अलग करें, अपनी मौज और इन्जॉयमेंट गर्मी की छुट्टियों में करने के बजाय किसी और की इन्जॉयमेंट और उनकी मदद मजे करने में थोड़ी मदद करें, इसलिए हमने आर्ट एंड क्राफ्ट कराया है और हम उनको एक्टिविटीज भी कराते हैं, लेमन रेस, गाना डांस वगैरह ये सब। आप उन दोनों बच्चे की माँ हैं, आप हाँ तो बच्चियों की माँ, बच्चियों की माँ, आप बताइए जो आपको क्या प्रेरणा मिला है? मुझे प्रेरणा के साथ मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज की आंचल की छा हैज रियली डन अ गुड जॉब, मतलब इतनी अच्छी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। हम हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को कि गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, और आज फील हुआ है कि नहीं, यस वी शुड वर्क, उनकी खुशी देख के, छोटे बच्चों की खुशी देख के, उनका उत्साह देख के इतनी खुशी मिली हम लोगों को। आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ दिस कैंप, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर साल हमारा ही कैंप लगे विद द हेल्प ऑफ आंचल की छा। We'll be right back.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश में बढ़ते जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम वर्षा का केवल 8% पानी ही संचित कर पाते हैं। अगर जल संग्रह की क्षमता बढ़ा ली जाए तो इससे जल संकट से निपटा जा सकता है। कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह आदेश सरकारी और निजी दोनों स्कूल के छात्रों पर लागू होगा। बम बम भोले के जय घोष के साथ रविवार को आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया। दिल्ली के शहदरा में रविवार को अचानक एक गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों के घायल हो जाने की खबर है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। हालांकि कई कांग्रेस नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं, मगर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि पार्टी नया अध्यक्ष तलाशे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौड़ मॉल के 5वें तल पर बाबीक्यू नेशन रेस्टोरेंट में किचन में रविवार को 2 बजे आग लग गई। अचानक काला धुआं उड़ने से कर्मचारी और हॉल में भोजन कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। चदूरा इलाके की इस घटना में दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल।